तो आज है बाबा का बर्थडे, अब हम जा रहे हैं बाहर सेलिब्रेट करने। तो मैं अब दे रहा हूँ इनको दो ऑप्शन, एक है KFC का और दूसरा निहारी का। तो देखते हैं ये लोग क्या सिलेक्ट करते हैं। सही है। हाँ बात सुनो, बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना है। कहाँ जाना है? हाँ इसमें सेलेक्ट करो, देखते हैं क्या सेलेक्ट करते हो तुम। बाबा चूज करेगा। बाबा चूज करो, बाबा कुछ एक चूज करो, पकड़ो कुछ। एक एक बार ठीक है, देखो कहाँ जाना है बाबा, कहाँ जाना है? घूमी घूमी करने जाना है, फ्राइज खानी है। पापा को बोलो देखा बाबा क्या निकले, दिखा पापा को, दिखाओ क्या निकले। तो यार ये तो खर्चा हो गया यार। हम यहाँ तो नहीं जा रहे सुहान। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सिमसेल की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी हम सुहान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। आपने देखा जैन ने हमें सरप्राइज दिया, हमारा कोई प्लान नहीं था बाहर आने का, पर जैन ने बोला चलते हैं। तो अभी हम आए हैं बाहर, देखते हैं अभी हम क्या क्या करते हैं। सुहान आप किधर जा रहे हो? देखो पापा आ गए।
पापा ने इंजॉय कर लिया। आज संडे से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी मस्तियाँ चेक कर, मज़ा आया बाबा? बाबा को मज़ा आया? जुहान को तो बहुत मज़ा आया, लेकिन हम थक चुके हैं जुहान के पीछे भाग भाग के, भाग भाग के। जुहान ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। इतना तंग किया है ना इसने, इस लड़के ने आज इतना तंग किया। इसके बर्थडे के लिए आए थे और इसने हमें इतना तंग किया, अब हम नहीं आएंगे इसको लेकर। तो बाबा का बर्थडे बहुत मज़े का हुआ। हम लोग बाहर गए, अचानक प्लान बना था बाहर जाने का। जैसे मैंने आपको बताया, बाहर जाने का कोई मूड नहीं था हमारा, लेकिन सैन ने सरप्राइज़ दिया तो हम चले गए और बड़ा मज़ा आया, इन्जॉय किया। गेट टुगेदर अचानक से हुआ तो हमने कर लिया। अब घर हम आए हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि ज़रूरी नहीं है कि खून के रिश्ते हों। कभी कभी जो आपकी मोहब्बत होती है वो ऐसे लोगों से भी हो जाती है जो आप बेशक खून के रिश्ते नहीं होते हैं, लेकिन वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि लगता ही नहीं है कि जैसे वो हमारे सगे रिश्ते नहीं हैं। इन्हीं में एक है, हम लोग लाहौर में रहते थे, वहाँ मामा की बेस्ट फ्रेंड समझ ले वो बन गई थी। वो थी हमारी पड़ोसन, हमारी हमसाई, जो कि हमारे साथ वाले घर में रहती थी, फरीदा आंटी। और उनके उनका मायका कराची में है, तो वो मुझे कहती थी मैं जब भी आया करूँगी ना अपनी अम्मी के घर तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। तो अभी रिसेंटली उनके भांजी की, उनकी बहन के बेटे की शादी थी, तो बाबा आगे खाना है आराम से, तो उन्होंने मुझे शादी पे इनवाइट किया पर मैं नहीं जा सकी। लेकिन हुआ ये कि मैं शादी पे तो नहीं गई, उन्होंने मेरे लिए शादी का सारा खाना घर भेज दिया, इतना सारा शादी का खाना। शादी पे मैं इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि शादी बहुत लेट स्टार्ट हो रही थी। कराची में शादी अक्सर ऐसा होता है कि रात को 11-12 बजे स्टार्ट होती है और ख़त्म होते होते सुबह के 4-5 बज जाते हैं, और जैन को ऑफिस जाना था इससे शादी तो अटेंड हम नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने शादी का जितना खाना था सब मेरे लिए भेजा। अभी उनका उनकी कॉल आई है तो उन्होंने कहा कि अब तुम नहीं आई हो तो मैं शादी का सारा खाना तुम्हारे लिए भेजूंगी। तो मैंने उन्हें बोला भी नहीं आंटी रहने दे, लेकिन आंटी ने बोला नहीं तुम भी तो शादी का खाना खाओ, और उन्होंने इतना सब भेज दिया, सब कुछ, यहाँ तक कि शादी की जो मिठाई होती है वो भी भेजी उन्होंने मेरे लिए। तो अच्छा लगता है, बेशक कोई सब अपने अपने घर में खाना खाते हैं, ठीक है, किसी को खाने की कमी नहीं होती है, लेकिन ये एक मोहब्बत होती है, एक अपनापन होता है जो आंटी ने दिखाया, और मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात होती है अंकल लेकर आए खाना इतनी दूर से। ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही थी कि बेशक कराची में मेरा कोई अपना नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई लाहौर से आ रहा होता है तो इतनी खुशी होती है। आज जब अंकल खाना लेकर आए तो एकदम मेरी आँखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पापा आ गए हैं। वो अंकल पापा के बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं और हम लोगों में इतनी अच्छी दोस्ती है, तो पापा और अंकल को मैंने हमेशा साथ साथ देखा है। तो अंकल है तो एकदम से मेरा दिल हुआ कि जैसे मेरे पापा आ गए हों। मैंने उन्हें बहुत बुलाया, अंकल अंदर आए, मैं चाय बनाती हूँ, पर अंकल ना थोड़े शाय किस्म के, वो कह रहे नहीं मैं अकेला नहीं आऊँगा, मैं अब आंटी को लाऊँगा साथ फिर अंदर आऊँगा। तो अंकल अंदर तो नहीं आए, खाना बस दे के चले गए। तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो ज़रूर आएँगे मिलने के लिए, आंटी को लेकर आएँगे। तो बहुत शुक्रिया अंकल आंटी आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे याद रखा। तो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।